हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपेनर्स। दिस इज सचिन सैनी और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया प्रोग्राम, जिसमें हम सीखेंगे किस तरीके से हम किसी भी एरे के अंदर आइटम को इंसर्ट करते हैं। कोई भी एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है किसी भी इंडेक्स पे, तो कैसे करते हैं आइए वो सीखते हैं। तो इसमें हम स्प्लाइस मेथड का यूज करने वाले हैं। तो आइए पहले जान लेते हैं स्प्लाइस जो मेथड है वो करता क्या है। तो ये जो मेथड है वो एड या फिर एड के साथ साथ हम रिमूव भी कर सकते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये जो मेथड है वो ऐड के साथ साथ रिमूव आपको करना है तो एलिमेंट कर सकते हैं, या फिर नहीं करना है तो रहने भी दे सकते हैं। मतलब इसको दोनों तरीके से यूज किया जाता है, खाली ऐड करने के लिए भी और ऐड के साथ साथ कुछ एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए भी एरे में, ठीक है। इसको हम प्रॉपर समझेंगे कोड से तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो इसका सिंटैक्स है जो ये आपको, सबसे पहले हम उसका नाम लिखते हैं जो हमने एरे क्रिएट किया। तो ये है आपका एरे का नेम, डॉट लगा के स्प्लाइस लिखते हैं, फिर ब्रैकेट में सबसे पहले आती है स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे आता है डिलीट काउंट और उसके कॉमा के बाद आपके आइटम्स आते हैं जो आपको ऐड करने हैं इसमें, ठीक। तो ये होती है स्टार्ट इंडेक्स, फिर आता है डिलीट काउंट। तो ये कैसे, सपोज करिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज करिए मेरे पास एक एरे है 1 2 3 4, ये एरे है, ठीक है। मेरे को क्या करना है, इस इंडेक्स पे एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है 5, ठीक। यहाँ मुझे इंसर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका सपोज करिए नाम है arr, तो मुझे लिखना पड़ेगा arr.splice और स्टार्ट इंडेक्स देनी पड़ेगी मुझे 0 के बाद, 0 और ये 1, इंडेक्स 1 है ना, तो स्टार्ट इंडेक्स देनी पड़ेगी 1, ठीक। डिलीट मुझे कुछ करना है या फिर नहीं करना, डिलीट मुझे अभी नहीं करना है, सिर्फ मुझे इंसर्ट करना है, तो इसमें दे देंगे 0। और आइटम क्या इंसर्ट करना है, फिर लगाएंगे हम कॉमा, यहाँ कॉमा आएगा, यहाँ कॉमा आएगा, फिर लगाएंगे हम 5, ठीक। तो क्या होगा, आपकी जो एरे आ जाएगी, रिजल्टेंट एरे, वो होगी 1, ये 1 है, ठीक है, 1 2 नहीं 1 5 2 3 और 4, ठीक है, ये आपकी एरे होगी। फिर दूसरा देखें हम, अगर हम कि अगर हम डिलीट करना चाहें तो कैसे होगी। सपोज करिए मैं लिखता हूँ arr.splice, ब्रैकेट में डालता हूँ 1 फर्स्ट इंडेक्स से, मुझे ये दो रिमूव करके 5 इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करूं, तो मुझे दो एलिमेंट रिमूव करने हैं और इंसर्ट करना है एक एलिमेंट 5। तो अब आपकी जो एरे आएगी वो कैसी आएगी, वो आएगी 1 5 एंड 4, ठीक। आप इसमें मल्टीपल आइटम्स भी कर सकते हैं, कैसे करके देखिए। इसमें जो आपका लिख रहा है, आप लिखें अगर arr.splice, ब्रैकेट में डालें 1, हमें डिलीट नहीं करना है और एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, मुझे सपोज करिए 5 इंसर्ट करना है, 6 इंसर्ट करना है, 7 इंसर्ट करना है। तो जो इसकी एरे आएगी वो कौन सी आएगी, वो आएगी 1 5 6 7, फिर जो आपके हैं 2 3 4 वो आ जाएंगे 2 3 एंड 4, ये आपकी एरे होगी। चलिए मैं अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ किस तरीके से, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, ठीक है, तब आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो अपना वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा वीएस कोड है, एक काम करता हूँ साथ ही मैं उसको चला भी लेता हूँ। तो मैंने इसे ब्राउजर में अपना रन कर रखा है, ये वाला जो कोड है। तो हमने नई फाइल क्रिएट करी है एड आइटम डॉट एड आइटम इन एरे डॉट एचटीएमएल के नाम से, जिसमें बेसिक से एचटीएमएल कोड लिखा है और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने अपनी जावास्क्रिप्ट लिखी है, जिसमें हमने एक एरे क्रिएट कर ली है, ठीक है। अब हम पहले समझेंगे स्प्लाइस जो मेथड है आपका वो कैसे काम करता है। तो हम लिखेंगे arr.splice, ठीक है। अब मेरे को सपोज करिए मुझे 0 1 2 इस इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, तो मैं लिखूंगा 2 कॉमा, मुझे कुछ भी डिलीट नहीं करना है, ठीक है। इंसर्ट क्या करना है, मुझे 5 और 6 इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मैं सेव कर दूंगा और अब मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट करा के देखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट arr, आप इसको सेव करेंगे क्योंकि हमने लाइव सर्वर से ओपन कर रखा है, तो यहाँ पे आपको आउटपुट दिख जाएगा। तो देखिए 1 2, ये 0 इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स पे हमने इंसर्ट करा तो इंसर्ट हो गया 5 और 6, सेकेंड पे 5 और 6, थर्ड पे 6, फिर आपके पास जो एलिमेंट एरे में बचे हुए हैं वो ऐसे आ जाएंगे। समझ में आ गया किस किस तरीके से हम इंसर्ट करते हैं एलिमेंट्स को एट स्पेसिफिक इंडेक्स, ठीक है। अगर हम डिलीट भी करना चाहें, सपोज करिए मुझे 5 6 इंसर्ट करने थे 3 4 को डिलीट करने के बाद, तो मैंने इंडेक्स नंबर दी 2 और मुझे 2 एलिमेंट रिमूव करने हैं, ठीक है। तो क्या होंगे, 3 4 रिमूव हो जाएंगे, मुझे 1 एलिमेंट रिमूव करना होगा, 3 रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आउटपुट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका प्रोग्राम था, आईओ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम समझेंगे किस तरीके से हम एरे के स्टार्टिंग में या फिर हम एरे के लास्ट में कैसे हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें इंडेक्स देने की जरूरत नहीं होती है उसमें, खाली हम डायरेक्टली एरे के स्टार्टिंग में या फिर एरे के एंड में
जो अपने एलिमेंट्स थे वो इंसर्ट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो गाइज अगर आपने अभी तक सीरीज को एक्सेस नहीं किया तो प्लीज इस सीरीज को एक्सेस कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने बिगनर टू एडवांस लेवल की सारी प्रॉब्लम्स कराई हुई हैं। रोज इसमें वीडियो अपलोड होती है जावास्क्रिप्ट की, तो इसमें विद कॉन्सेप्ट्स सारे प्रॉब्लम्स आपको के लिए अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, तो आप इसको जाकर एक्सेस कर लीजिए। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।